जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं अली रज़ा चैनल पीके अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीके अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया जिसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है हम आपको गुजरांवाला में मुस्लिम जानवरों के बारे में जानवरों के रेट्स के बारे में अपडेट किया। ऐसे ही आज हम एक भाई के पास आए हुए हैं जो कि जानवरों को ज़िबा करते हैं हर ईद पर। हम आपको पूछ कर बताते हैं कि जैसे जानवरों के रेट्स की अपडेट किस रेट पर जानवर सेल हो रहे हैं वैसे ही जानवर किस रेट पर अपने लोगों के जानवर कुर्बान करते हैं इसके बारे में आपको अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम अदील शेख है। मेरा नाम अदील शेख जी जी। और हर साल जानवर कुर्बान आप करते हैं? जी इंशाल्लाह मैं हर साल। कितने साल से आप ये जानवर को ज़िबा करने का काम? मुझे 18 साल हो गए हैं मैं काम करता हूं। 18 साल हो गए जी जी। तो सही है, तो इस दफ़ा बुकिंग स्टार्ट कर दी हुई आपने अभी कि नहीं? हाँ जी, पहले दिन की भी मेरे पास है, दूसरे दिन की भी है, तीसरे दिन की भी है। ऑर्डर आने शुरू हो गए जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है, तो आप बछड़े लेले वगैरह इनको भी करते हैं कि सिर्फ? मैं सिर्फ ऊँट ही करता हूँ। मैं जी मैं ऊँट ही करता हूँ। ऊँट ही करते हैं जी जी। तो माशाल्लाह अब तक आपने कितने दिनों से ऑर्डर टेक कर लिए? मैंने अब तक मैं 3 दिनों में करता हूँ, कम से कम 25 ऊँट ज़िबा करता हूँ 3 दिनों में। जी जी। तो सही है, अभी तक आपके पास कोई ऑर्डर वगैरह? हाँ जी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं तो 15-20 है मेरे पास ऑर्डर। जी जी जी। जिनका आपने जान के जानवर कुर्बान? जी 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 जी। सही है, तो जो से होते हैं पहले दिन के जानवर के रेट्स अलग होते हैं, दूसरे दिन के अलग, तीसरे दिन के अलग? जी जी, पहले दिन के अलग होते हैं, दूसरे दिन के अलग होते हैं। सही है, तो आपकी जो सी टीम है जो कि जानवरों को ईद पर ज़िबा करती है जी जी, वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है? मैं तकबीर करता हूँ, ठीक है, नहल करता हूँ, सुन्नत के मुताबिक करता हूँ, खब्बा गोटा बांध के करता हूँ। ठीक है, मैं तकबीर करके आगे चले जाता हूँ। मेरे पास अच्छे और कारीगर लड़के हैं, जो 5 लड़के मैं एक ऊँट पे छोड़ता हूँ, इंशाल्लाह 2 घंटों में मुकम्मल गोश्त बना के फारग करते हैं। एक जानवर ज़िबा है उसको तकबीर फेरने के बाद? हाँ जी, और 2 घंटे में सारा काम? हाँ जी मुकम्मल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ट्रेन आपके पास आपकी टीम है वो फुल? हाँ जी फुल ट्रेन टीम है मेरे पास, अल्लाह कारपोरेशन मेरा ग्रुप है। ठीक है ठीक है। तो 18 साल हो गया मुझे ऊँट करते हुए, तो वक्त की मेरी पाबंदी होती है, जिस जो टाइम देना दोस्तों को 5 मिनट पहले मैं पहुंचता हूं। जिसके साथ जो डील हुई है उसी वक्त आपने? हाँ 5 मिनट पहले 5 मिनट पहले पहुंचता हूं मैं। तो आपका काम सिर्फ तकबीर करना? मेरा काम है तकबीर करना सिर्फ। सही है, तो माशाल्लाह हर साल आप कितने जानवर करते हैं? मैं हर साल 20-25 जानवर 3 दिन में करता हूँ। जी जी सही है, तो थोड़ा रेट्स के बारे में अपडेट कर देना ताकि कुछ लोग होते हैं जिन्हों जो खुद कुर्बान नहीं कर सकते जानवर, जी जी कसाई की जरूरत होती है। जी जी, तो जरा पहले दिन का आप क्या रेट्स ले रहे हैं? पहले दिन का 25,000 मांग रहा हूँ, 22 भी दे देते हैं, 20 भी दे देते हैं ऊँट होगा। हाँ जी सही है, तो मुकम्मल मेरी आखिरी प्राइस जो होती है वो 20,000 रुपये तक होती है। जी लेकिन जो हमारे थ्रू हमारी वीडियो के थ्रू आए उनके साथ क्या प्यार मोहब्बत करेंगे? उनके साथ यही है, मैं फिर यही कहता हूँ कि 15,000 रुपया लेबर लेती है गोश्त बनाने का। सही है ठीक है, 4-5 बंदे होते हैं तो फिक्स? हाँ जी, वो 15,000 रुपया मैं खुद देता हूँ उनको। सही है ठीक है, 5,000 रुपया मेरे पास, मेरे साथ 3 लड़के होते हैं, एवरी डब्बा होता है, खर्चे होते हैं। सही है, ट्योटा पीछे होता है, मेरी पूरी टीम जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रुप है। सही है, तो 2-4 हज़ार रुपया मैं सिर्फ, मुझे शौक है तकबीर करने का। सही है, और कोई ऐसी बात नहीं, वो लड़के 15,000 रुपये लड़के लेते हैं, बाकी जो खर्चे ऊपर ले होते हैं 5-4 हज़ार वो लेते हैं। अगर आपकी तरफ से फिर कोई आए तो फिर मैं और प्यार फीस भी लल्ला तकबीर करूँगा, जो गोश्त बनाने के पैसे वो दे दें। हाँ जी बस सही है, ये आप हमारी तरफ से जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ प्यार? जी जी फुल प्यार मोहब्बत। सही है, तो जो थे सेकेंड डे के हैं? सेकेंड डे का भी 20,000 रुपया लेते हैं, तो जो तीसरे दिन है उसका 15,000 रुपया लेते हैं। तीसरे दिन के रेट कम कर देना? जी 15,000 रुपया लेते हैं। खास वजह ये होती है कि तीसरे दिन मैं काम नहीं करता, मैं 2 दिन काम करता हूँ, तीसरे दिन मेरे चंद दोस्त हैं उनको शौक है कि मैं तीसरे दिन भी काम, फिर लड़कों के पैसे के मुताबिक मैं 3 दिन काम करता हूँ तीसरे दिन, और तकबीर मैं फीस भी लल्ला करता हूँ। सही है, मतलब जो से आपके पास जो टीम है? जी जी 15,000 रुपया उन्हें आप देते हैं? जी गोश्त बनाने का। ठीक है, 2 घंटे में जो इंशाल्लाह दिन में दो एक ग्रुप जो होता है 5-5 लड़के दिन में दो 3-3 ऊँट करते हैं। सही है ठीक है। तो आपकी टीम के टोटल मेंबर कितने हैं? मेरी टीम के टोटल मेंबर हैं कि मैं 40 लड़के हैं मेरे पास। 40 लड़के हैं? जी जी। सही है, आपने कहा काम सिर्फ तकबीर फेरना और बाकी 5 लड़के आप छोड़ते हैं? हाँ जी 5 लड़के छोड़ते हैं एक ऊँट पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कारीगर होते हैं, कसाई हैं, 2 घंटे लगाएंगे इंशाल्लाह मुकम्मल गोश्त बना के फार कर देंगे। सही है, और जो सी उम्मीदें होती हैं कि भाई हमारे जानवरों को किसी किस्म की कोई तकलीफ वगैरह ना? नहीं नहीं, मैं तो खुद बहुत प्यार करता हूँ, अल्लाह की राह पे कुर्बान होने होते हैं इनको। कुछ होते हैं ना वो मौसमी कसाई होते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा तरीका और है, मैं सुन्नत के मुताबिक काम करता हूँ। ठीक है, मेरे पास औजार बड़े अच्छे और हैवी है, लॉक करने वाले मेरे औजार जो भी हैं वो खुद लॉक होते हैं। सही है, जो मैंने कड़ा डालना है वो लॉक हो जाना है, रस्सा पीछे से डालना वो खुद लॉक हो जाना है, उसके पास नहीं जाना उनके पास। सही है,
तो आप तकरीबन 16 साल से ये काम? हाँ, 16-17 साल से मैं काम कर रहा हूं। एक दिन में आप तकरीबन जो 10 जानवर है उन्हें दिबा कर? हाँ जी, एक दिन में 10 मैंने करने हैं जानवर। सही है, तो इस वक्त आपके पास टोटल 15-20 ऑर्डर आ गए मेरे पास? इस टाइम मेरे पास 15 जानवर का ऑर्डर है। सही है, तो हर दफा इधर जो ये पीछे इतनी बड़ी मंडी है, कुछ लोग इधर जानवर खरीदते हो गए आपके साथ, इधर से ही आपके साथ मुकम्मल? हाँ जी, हाँ जी, इधर बुकिंग करवाते हैं, बुकिंग करवा के मैं 2000 रुपया रसीद काटता हूँ, एडवांस लेता हूँ, जिसने एडवांस देना उसकी पाबंद हूँ मैं, जिसने एडवांस नहीं देना मैं उसका पाबंद नहीं, मैं उसको कहता हूँ कि मैं आपका पाबंद नहीं। सही है, अगर टाइम मिला तो आप? हाँ जी, टाइम मिला नहीं मैं ये काम ही नहीं करता, क्योंकि वो किसी के घर जाएं वो भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, वो मैं काम नहीं करता। किसी को लारा लगाने वाला? हाँ जी, नहीं वो नहीं, लारा नहीं मैं लगाता, किसी को आज तक नहीं लगाया लारा। सही है, तो अब फाइनल मतलब आप तकबीर फेर देंगे जो हमारी तरफ से आएगा? हाँ जी, वो फीस भी अल्लाह इंशाल्लाह, सोनी तकबीर अल्लाह के हुक्म से। तो आपके अलावा कोई और आपके टीम मेंबर है जो निदा? नहीं मेरे नहीं, वो एक मेरा भांजा है, उसको ट्रेन करूँगा इंशाल्लाह इस साल, इस साल मैं लगवाऊंगा, उससे भी तकबीर करवाऊंगा, इस साल मैं शुरू करूंगा उसको भी, कि मैं उसको भी हुनर दे सकूं, ताकि आपका हुनर आके भी जी जी बिल्कुल वो बाद भी। हाँ जी, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सही है, तो अपना कोई नंबर शंबर बता दें ताकि हमारे किसी भाई ने अगर आपसे रब्ता करना हो, जो लोग कुर्बानी के लिए खुद कुर्बानी नहीं कर सकते। जी जी जी, दिबा नहीं कर सकते, वो आपसे रब्ता कर सकते। मेरा बता दें, मेरा नंबर है 0364-64-27-64-27-364-311-311। जी जी, ठीक है, तो अब ईद तक आपका इधर डेरा है? हाँ जी, चांदरा से एक दिन पहले तक इधर मेरी बुकिंग होगी, मैंने जाके अपने दोस्तों को, लड़कों को, एवरी डिब्बे को और औजारों को तेज तूज करवाना है, सब कुछ मैंने अपनी तैयारी चांदरा तक मैंने 7-8 बजे तक रात को मैंने अपनी तैयारी करनी होती, सुबह 5 बजे मैंने रवानगी कर देनी। फिर ईद की नमाज मैं नमानिया रोड मस्जिद बलाल में पढ़ता हूँ 6 बजे की, 6:15 बजे उधर 5 नंबर गली में पहली तकबीर होती है। तो आप वो कुछ जानवर का नहल का कह रहे थे? हाँ जी, नहल सुन्नत के मुताबिक होता है नहल। सही है, तो वो कुछ लोग होते हैं वो बिठा कर जानवर को भी? नहीं नहीं, वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बड़ा जानवर होता है, ये कुरान जीद में तकबीर इसकी लिखी हुई है। सही है, जो सुन्नत के मुताबिक अल्लाह पाक ने कुरान जीद में भी बताया हुआ कि इस तरह सुन्नत है, ये सुन्नत आप तरीके के साथ इसको तकबीर करें। सही है जी नाज़रीन, जैसा कि आपको हम जानवरों के रेट्स के बारे में अपडेट करते रहे, हमने सोचा क्यों ना आपको जो उनसे कसाई उधर आ जाते हैं, कुछ लोग तो मौसमी कसाई होते हैं ना, ये भाई तो माशाल्लाह 16 साल से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो गए हैं। तो अगर किसी भाई ने अपना जानवर जो सा दिबा करवाना हो तो इनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जैसा कि आपने वीडियो में सुन लिया होगा। अब हमें इजाज़त दें, शुक्रिया।